डियर स्टूडेंट्स वेलकम बैक। आज हम चर्चा करेंगे नेशनल हेल्थ मिशन NHM की यूनिवर्सिटी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, देखेंगे इसके मायने, फीचर्स, इसके कंपोनेंट्स, इसके क्या प्रभाव पड़े हैं और इसके प्रोस एंड कॉन्स क्या हैं। सो लेट अस बिगिन। यदि हम सिलेबस देखें और पास्ट ईयर क्वेश्चन, तो सोशल वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन के तहत चार टॉपिक आपको पढ़ने हैं। यूजीसी सिलेबस में एजुकेशन में राइट टू एजुकेशन हम कवर कर चुके हैं, हेल्थ में नेशनल हेल्थ मिशन आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, फूड केवल बचा रहता है, राइट टू फूड सिक्योरिटी, एम्प्लॉयमेंट में मनरेगा मैंने पहले कवर किया है। सो ये थर्ड टॉपिक है सोशल वेलफेयर पॉलिसीज का, जो इस वीडियो सीरीज में मैं कवर कर रहा हूँ। यदि क्वेश्चन देखें, केवल मैंने हाईलाइट किया है वायलेट कलर से या दूसरे कलर से हाईलाइट किया है जो बोल्ड है। 2017 में पूछा गया है नेशनल हेल्थ मिशन पे नोट, 2016 में पूछा गया था नेशनल रूरल हेल्थ मिशन पे नोट, और 2015 में है डिस्कस द फीचर्स ऑफ एनी टू सोशल वेलफेयर पॉलिसीज इन इंडिया, हाउ फार दीज पॉलिसीज बीन सक्सेसफुल इन अचीविंग द ऑब्जेक्टिव ऑफ द सोशल वेलफेयर। इसमें आप इसको भी नेशनल हेल्थ मिशन को लिख सकते हैं। सो इफ यू सी द क्वेश्चन, आपको लगता होगा कि ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, इससे नोट्स पूछे जा सकते हैं। मुझे भी ऐसा लगता है कि इससे शायद नोट पूछे जाएंगे, लेकिन नोट पूछने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं, इसलिए मैंने इस वीडियो को थोड़ा छोटा रखने की कोशिश की है। सो लेट अस बिगिन। यदि हम नेशनल हेल्थ मिशन को देखें, इसके कंपोनेंट क्या हैं, तो नेशनल हेल्थ मिशन वॉज लॉन्च्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन 2013, सब एज्यूमिंग नेशनल रूरल हेल्थ मिशन एंड नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन। दो जो मिशन थे, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, इसको शॉर्ट में NRHM कहते हैं, और नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन NUHM, इन दोनों को मर्ज करके एक नेशनल हेल्थ मिशन 2013 में लॉन्च किया गया। इसका जैसा मैंने बताया कि NRHM जो था वो द नेशनल रूरल हेल्थ मिशन वॉज लॉन्च इन 2005, तो ये बहुत लंबा इसका हिस्ट्री है इन कंपेरिजन टू अर्बन हेल्थ मिशन। 2005 में लॉन्च किया गया था, तो तकरीबन जो है 8 साल चलने के बाद इसको मर्ज कर दिया गया नेशनल हेल्थ मिशन में। और इसकी जो दूसरी कंपोनेंट है, जो नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन है, वो एक नया था जो उसी साल में 1 मई को 2013 में लॉन्च हुआ था, और तुरंत ही इसको जो है NHM के अंदर एंड NHM के अंदर सब एज्यूम कर दिया गया। सो इन नटसेल नेशनल हेल्थ मिशन के दो सब मिशन है, एक है नेशनल रूरल हेल्थ मिशन और दूसरा है नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन। आयुष, यदि ये देखा जाए कि आयुष्मान भारत इससे कैसे जुड़ता है, आयुष्मान भारत जो है नेशनल प्रोटेक्टिव एक इंश्योरेंस कवर स्कीम है, जो कि गरीब जो परिवार हैं उसको 5 लाख तक की फ्री इंश्योरेंस देती है, जिसमें अपने फैमिली का 5 लाख के अंदर मान लीजिए कोई बीमारी ऐसी हो गई जिसमें हॉस्पिटलाइजेशन हुआ, 5 लाख तक आपको सरकार ऐसी प्रीमियम देगी इंश्योरेंस कंपनी को कि आप अपना इलाज हॉस्पिटल में करा सकते हैं। इसको आयुष्मान भारत कहते हैं। पहले ये जो है राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना था, जिसको कि आयुष्मान भारत में कन्वर्ट करके बड़ा करके लॉन्च किया गया है। आयुष्मान भारत को भी आप एक तरह से नेशनल हेल्थ मिशन के तहत मान सकते हैं, वैसे ये अलग मिशन या स्कीम है। सो दिस इज ऑल अबाउट नेशनल हेल्थ मिशन। अब इसके यदि हम दोनों सब मिशन को देखें, सबसे पहले मैंने रूरल हेल्थ मिशन को लिया है, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन NRHM। द नेशनल रूरल हेल्थ मिशन वॉज लॉन्च्ड ऑन 12 अप्रैल 2005, 2005 में लॉन्च हुआ था, टू प्रोवाइड एक्सेसिबल, अफोर्डेबल, इक्विटेबल एंड क्वालिटी हेल्थ केयर टू द रूरल पॉपुलेशन, स्पेशली द वल्नरेबल ग्रुप्स जो है SC ST या मार्जिनलाइज्ड ग्रुप, वुमेन, चिल्ड्रेन, ओल्ड, उनके लिए जो है ये लॉन्च किया गया था रूरल एरियाज में 2005 में। लॉन्च करने के टाइम में ही कहा गया था कि ये जो है 7 साल चलेगा, 2012 तक ही चलेगा, लेकिन बाद में इसको NHM में मर्ज कर दिया गया। इट इज ए सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। इसका मायने क्या होता है, मैंने पहले भी आपको बताया है, जो स्कीम सेंटर स्पॉन्सर करती है, मतलब सेंटर उसको कंसीव करती है, उसको लॉन्च करती है, और पैसे भी काफी कुछ जो है सेंटर देती है, लेकिन इम्प्लीमेंट जो है वो स्टेट करती है, और स्टेट भी कुछ फंडिंग का पार्ट को जो कंट्रीब्यूट करती है। सो इट इज बेसिकली इम्प्लीमेंटेड बाई स्टेट। यहाँ आपको पता होना चाहिए कि हेल्थ जो है वो स्टेट लिस्ट में है, जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो 3 लिस्ट है उसमें स्टेट लिस्ट में है, इसलिए इम्प्लीमेंटेशन इंटायरली जो है NRHM का स्टेट के द्वारा होता है, लेकिन फंडिंग जो है अधिक से अधिक सेंट्रल गवर्नमेंट ही करती है। इट कवर्स इंटायर कंट्री, बट फोकस वॉज ऑन 18 नॉर्थ ईस्टर्न हिली एंड पुअर हेल्थ स्टेट जो थे, जैसे बिहार, राजस्थान, ओडिशा, MP, UP, झारखंड, छत्तीसगढ़, इन 18 स्टेट को फोकस स्टेट कहा गया था या कहा गया है अभी भी।
जो इसके गोल हैं या ऑब्जेक्टिव हैं उसको दो पार्ट में देखा जाए, कुछ तो क्वांटिटेटिव थे इसको आप मेजर कर सकते थे। इसमें ये कहा गया था कि 2012 तक जो मैटरनल मोर्टेलिटी रेट है, MMR शॉर्ट में बोलते हैं, माता जो मर जाती हैं बच्चे को पैदा करने के टाइम में, तो 1 लाख यदि लाइव डिलीवरी होती है तो उसमें उस समय में 2005 में 447 माताओं का डेथ होता था, उसको कम करके 100 करना था। इसी तरह इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, मतलब यदि 100 बच्चे पैदा हुए उसमें से कितने बच्चे जो हैं 1 साल से अधिक जी नहीं पाते हैं, तो उनको इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट बोलते हैं। ये उस समय में 60 था, मतलब प्रति 1000 पे 60 बच्चे की मौत हो जाती थी, उसको घटा के 30 करना था 2012 तक। और TFR मतलब टोटल फर्टिलिटी रेट, यानी कि एवरेज जो है एक जननी जो है, माताएं जो है कितने बच्चे को जन्म दे सकती है, तो उसको उस समय में लगभग 3 था, तो उसको घटा के 2.1 करना था पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए। तो ये क्वांटिटेटिव गोल्स थे। क्वालिटेटिव गोल तो काफी सारे थे, एक्सेस टू इंटीग्रेटेड कम्प्रीहेंसिव प्राइमरी हेल्थ केयर टू रूरल पॉपुलेशन, एक पूरा एक स्ट्रक्चर बनाया था जो मैंने आपको बताया है कैसे जो है PSC, CSC और हेल्थ केयर की जो स्ट्रक्चर है उसको तैयार किया गया था रूरल एरियाज में। स्ट्रेंथनिंग पब्लिक हेल्थ डिलीवरी सिस्टम एंड मेकिंग इट अकाउंटेबल टू लोकल कम्युनिटी, जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन थे और जो लोकल कम्युनिटी थी उनको सोशल ऑडिट करना, उनको प्लानिंग का जिम्मा देना, उनको अकाउंटेबल बनाना, ये भी एक काम था इस मिशन का। Prevention and control of communicable and non-communicable diseases, including locally endemic disease, जो है उसको भी रोकना, जितने भी जैसे फलेरिया हैं, फ्लू हैं, TB हैं, इन सबको, और जो non-communicable disease हैं like heart disease है, kidney disease है, इन सबको, या blindness, इन सब की भी रोकथाम करनी थी। मॉनिटरिंग एंड इवेल्युएशन अगेंस्ट इंडियन पब्लिक हेल्थ स्टैंडर्ड, ये बहुत इंपॉर्टेंट था। इस मिशन के तहत एक नया स्टैंडर्ड लागू किया, आपको पता है ऐसे पॉल्यूशन के लिए भारत पॉल्यूशन स्टैंडर्ड होती है, उसी तरह हेल्थ केयर के लिए भी एक इंडियन पब्लिक हेल्थ स्टैंडर्ड बनाया गया। यदि कोई हॉस्पिटल होगा इस मिशन के तहत या प्राइमरी हेल्थ सेंटर होगा तो उसमें क्या मिनिमम सुविधाएं होंगी, स्टैंडर्ड होगा, उसके लिए IPHS बनाया गया, और उसके बेसिस पे सभी जो एग्जिस्टिंग जितने भी सेंटर्स थे प्राइमरी हेल्थ सेंटर या कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, उसको उसके मानक पे खड़ा उतरने की कोशिश, मॉनिटरिंग और इवेल्युएशन कर रहा था। देन कन्वर्जेंस ऑफ हेल्थ एंड रिलेटेड प्रोग्राम, यहाँ थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक है सॉरी, कन्वर्जेंस ऑफ हेल्थ एंड रिलेटेड प्रोग्राम फ्रॉम विलेज लेवल अपवर्ड्स, इसको एक कन्वर्ज करना था कि जितने अदर काइंड ऑफ जो स्कीम्स चल रहे हैं, जैसे न्यूट्रिशन के चल रहे हैं, मिड डे मील चल रहे हैं, वाटर ड्रिंकिंग वाटर के चल रहे हैं, सैनिटेशन या मनरेगा चल रहा है, उन सब के साथ में कन्वर्ज करना है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, ये भी इसका एक आम एम था। देन आयुष, हमारे यहाँ जो इम्पॉर्टेंट है आयुर्वेद, योगा, नेचुरोपैथी, यूनानी और सिद्धा और होम्योपैथी जो हमारे लोकल हैं, उसको मेन स्ट्रीम में लाना था पब्लिक हेल्थ सिस्टम के, ये भी एक इसका क्वालिटेटिव गोल था। 2013 से जो है NRHM is merged in National Health Mission as its sub-mission. तो 2013 में जो है इसको मर्ज कर दिया गया National Health Mission में, मैंने पहले ही बताया है। यदि हम देखें कि National Urban Health Mission जो कि इसका दूसरा sub-mission है NHM का, तो ये urban area में एक तरह से replication है Rural Health Mission का। NUHM short में covers all state capitals, district headquarter and cities, towns with a population of more than 50,000. जो लेस देन 50,000 के टाउन है उसको NRHM के तहत ही कवर किया जाएगा। इट प्राइमरली फोकसेस ऑन स्लम ड्वेलर्स एंड अदर मार्जिनलाइज्ड ग्रुप लाइक रिक्शा पुलर, स्ट्रीट वेंडर, रेलवे एंड बस स्टेशन कुलीज, होमलेस पीपल, स्ट्रीट चिल्ड्रन, कंस्ट्रक्शन साइट वर्कर, इन सबको ये जो इस मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी अर्बन एरिया में है उस पर ये फोकस करता है। इसके जो गोल हैं वो है नीड बेस्ड सिटी स्पेसिफिक अर्बन हेल्थ केयर सिस्टम टू मीट द डाइवर्स हेल्थ केयर नीड ऑफ द अर्बन पुअर एंड अदर वल्नरेबल सेक्शन, इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म एंड मैनेजमेंट सिस्टम टू मीट हेल्थ रिलेटेड चैलेंजेस ऑफ ए रैपिडली ग्रोइंग अर्बन पॉपुलेशन, पार्टनरशिप विद कम्युनिटी एंड लोकल बॉडीज फॉर ए मोर प्रोएक्टिव इन्वॉल्वमेंट इन प्लानिंग, इंप्लीमेंटेशन एंड मॉनिटरिंग ऑफ हेल्थ एक्टिविटीज, अवेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज फॉर प्रोवाइडिंग एसेंशियल प्राइमरी हेल्थ केयर टू अर्बन पुअर, जैसे कि रूरल एरियाज में किया गया है कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, प्राइमरी हेल्थ सेंटर, सब डिविजनल एंड डिस्ट्रिक्ट, सेम तरह से स्ट्रक्चर जो है अर्बन एरियाज में भी अर्बन प्राइमरी हेल्थ सेंटर, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर का क्रिएट किया जाएगा। पार्टनरशिप विद NGOs फॉर प्रॉफिट एंड नॉट फॉर प्रॉफिट हेल्थ सर्विस प्रोवाइडर एंड अदर स्टेक होल्डर,
The National Urban Health Mission would leverage as far as possible the institutional structure of NRHM at the national, state and district level for operationalization of NUHM. So NRHM chuki 10 saal se zyada se chal rahi hai to uske jo institutional structure hai usko leverage kiya jayega NUHM aur NHM ke liye bhi. Accredited social health activists jisko ki ASHA worker bolte hain, लिंक वर्कर LW फॉर 200 टू 500 अर्बन हाउसहोल्ड पे होगा. गांव में भी आशा वर्कर बहुत इंपॉर्टेंट काम कर रहे हैं. ये लिंक होते हैं जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर के जो इंस्टीट्यूशन है और जो कम्युनिटी है, जो परिवार है, उसके बीच में लिंक का काम आशा वर्कर करती हैं. यहाँ पे जो है उसको लिंक वर्कर भी कहा जा सकता है अर्बन एरियाज में. इसके अलावा महिला आरोग्य समिति भी बनाई गई है 50 से 100 हाउसहोल्ड की. ये सब जो है एक इसके मेन करता धरता है, ये कहिए कि अर्बन एरियाज में दे आर वर्किंग एज ए लिंकेज बिटवीन द कम्युनिटी एंड द हेल्थ पब्लिक हेल्थ डिलीवरी सिस्टम. अर्बन PHC जैसे मैंने बोला प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर, अर्बन कम्युनिटी हेल्थ सेंटर मेनली मैनेज बाय अर्बन लोकल बॉडीज जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन या म्युनिसिपैलिटीज होते हैं. डिस्ट्रिक्ट प्लान साल कन्वर्ज NRHM एंड NUHM. जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आप देखिए रूरल एरियाज भी हैं, अर्बन एरियाज भी हैं. तो जब डिस्ट्रिक्ट हेल्थ प्लान बनेगा तो वहां पे NRHM और NUHM को कन्वर्ज कर दिया जाएगा और इम्प्लीमेंटेशन अलग अलग होगी. यहाँ पे अर्बन लोकल बॉडीज करेंगे, वहां पंचायती राज इंस्टीट्यूट करेंगे. फंड जो है वो सेंटर स्टेट से मिल करके आएगी, दो पार्ट में बढ़ जाएगी. द सेंटर स्टेट फंडिंग NUHM के लिए 75-25 है, जिसमें 75 सेंटर 25 स्टेट है नॉर्मल स्टेट के लिए. लेकिन एनी हिली स्टेट के लिए 90-10 है, 90% सेंटर एंड 10% स्टेट गवर्नमेंट. So this is all about NUHM. अब यदि हम NRHM के कंपोनेंट पे देखें, मैंने ज्यादा फोकस रूरल हेल्थ मिशन पे किया है क्योंकि ये पुराना भी है, इसके इंपैक्ट्स भी आ चुके हैं. NUHM को हम यहीं पे छोड़ देते हैं. NHM के दो पार्ट हैं, जस्ट आपको बता दें NUHM NRHM. NRHM पे नाउ लेट अस फोकस कि इसके कंपोनेंट क्या है. इट्स इंटरेस्टिंग, आपको एग्जामिनेशन में भी लिखना चाहिए. सबसे पहले देखिए किस तरह से गाँव में रूरल एरियाज में एक स्ट्रक्चर खड़ा किया गया है जो कि नीचे से ऊपर बढ़ता है और कैसे प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी हेल्थ केयर सिस्टम बनाता है. सबसे नीचे में आप देखिए विलेज लेवल पे कोई हॉस्पिटल नहीं है, वहां पे आशा वर्कर हैं, आंगनवाड़ी वर्कर हैं. आंगनवाड़ी वर्कर आपको पता होना चाहिए इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम है, उसमें आंगनवाड़ी सेंटर बनाए गए हैं जहाँ पे कि जो नए बच्चे जन्म लेते हैं उनका टीकाकरण और बहुत सारे नियोनेटल जो फैसिलिटीज है वो आंगनवाड़ी वर्कर देती हैं. तो आशा वर्कर और आंगनवाड़ी वर्कर जो है एक तरह से हेल्थ केयर स्पेशलिस्ट बन जाती हैं गांव के लेवल पे. उसके अलावा वहाँ पे विलेज एंड हेल्थ सैनिटेशन कमेटी बनती है, विलेज एंड हेल्थ न्यूट्रिशन डे मनाया जाता है आंगनवाड़ी सेंटर में हर महीने. तो ये गाँव के लेवल पे हेल्थ केयर सिस्टम है. देन जब ऊपर हम जाते हैं पंचायत लेवल पे, ग्राम पंचायत 4-5 विलेजेस के क्लस्टर को बोलते हैं. ग्राम पंचायत भवन होता है, ग्राम पंचायत ऑफिस होती है, वहां पे एक हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर बनाया जाता है जिसको पहले सब सेंटर बोलते थे. रजिस्टर्ड यहाँ पे मेडिकल प्रैक्टिशनर होता है, यहाँ डॉक्टर बैठने लगते हैं. दो ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइफ्स जिसको ANM शॉर्ट में कहते हैं वो वहां बैठती हैं और इम्यूनाइजेशन और अदर जो है बहुत सारे हेल्थ की फैसिलिटी दी जाती है. लेकिन वहाँ ऑपरेशन नहीं होता, वहाँ बहुत कोई खास व्यवस्था नहीं होती. तो ये दोनों जो है एक तरह से प्राइमरी हेल्थ सेंटर है. उसके ऊपर जो सबसे ऊपर जो प्राइमरी हेल्थ सेक्टर है वो होती है क्लस्टर ऑफ 4-5 GP. आप 4-5 ग्राम पंचायत को मिला दीजिए, लगभग 30-40 गांव एक क्लस्टर में एक जो है प्राइमरी हेल्थ सेंटर बनाया जाता है. छोटा सा हॉस्पिटल आप सोच सकते हैं, गांव का छोटा हॉस्पिटल. यहां पे 3 नर्स बैठती हैं, एम्बुलेंस होता है, 24/7 सर्विस होती है. यहाँ पे टेस्ट जो है अधिक जितनी बीमारियां हो सकती हैं गाँव में, TB मलेरिया इन सब का टेस्ट होता है और इस तरह की फैसिलिटी वहाँ पे प्राइमरी हेल्थ सेंटर में होती है. तो ये 3 जो है प्राइमरी हेल्थ सेंटर, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, आशा आंगनवाड़ी वर्कर, इसको आप प्राइमरी हेल्थ केयर सिस्टम समझ सकते हैं. इसके ऊपर जो है अब सेकेंडरी हेल्थ केयर सिस्टम आ जाता है जो ब्लॉक लेवल पे होता है जिसको कि कम्युनिटी हेल्थ सेंटर कहते हैं. यहाँ पे गलत लिखा हुआ है PHC, इसको आप CHC पढ़िए, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर. यहाँ पे 7 स्पेशलिस्ट डॉक्टर बैठते हैं, बैठने चाहिए, 9 स्टाफ नर्स बैठती हैं, 24/7 सर्विस होता है. सर्जरी, अब यहाँ पे सर्जरी की जो ऑपरेशन की सुविधाएं हो जाती है और एडवांस मेडिकल फैसिलिटी होती है. अब ये सेकेंडरी जो है हेल्थ केयर सिस्टम का पार्ट बन जाता है कम्युनिटी हेल्थ सेंटर. उसके ऊपर जो है सब डिविजनल एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल हॉस्पिटल होते हैं जो कि टर्शियरी
या रेफरल हॉस्पिटल कहला सकते हैं। तो ये जो पूरा वर्टिकल हायरार्किकल स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, ये पब्लिक हेल्थ डिलीवरी सिस्टम खड़ा किया गया है नेशनल रूरल हेल्थ मिशन के तहत, और उसको स्ट्रेंथन किया गया है IPHC के तहत, इंडियन पब्लिक हेल्थ स्टैंडर्ड के तहत उसको मॉनिटर और उसको स्टैंडर्डाइज किया गया है। अब यदि एक एक करके हम देखें कि इसके अदर कंपोनेंट क्या है, सो लेट अस सी। सबसे पहले जितने भी वर्टिकल डिजीज प्रोग्राम है, आपको पता होना चाहिए इंडिया में TB, मलेरिया, एड्स, ब्लाइंडनेस और कालाजार, इन सब के अलग अलग प्रोग्राम चलते हैं उसको रोकने और उसको खत्म करने के, वो सारे इसमें जो है इंटीग्रेट कर दिए गए हैं। देन रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ स्कीम चलती है, उसको RCH प्रोग्राम बोलते हैं, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है इंटीग्रेटेड चाइल्ड केयर डेवलपमेंट स्कीम और जननी सुरक्षा योजना, ये सब जो है इसमें इंटीग्रेट हो गए हैं। जननी सुरक्षा योजना में जो प्रेग्नेंट वुमेन होती है, गरीब BPL कैटेगरी की, उनको कंडीशनल कैश ट्रांसफर किया जाता है, पैसे दिए जाते हैं कि अपने हेल्थ का ध्यान रख सके उस प्रेगनेंसी के दौरान, और जब बच्चे पैदा हो तो उसको इम्यूनाइज कराए, उसका हेल्थ एंड का ध्यान रखे और उसकी जो बर्थ जो है उसके रजिस्टर कराए और बताए और उसको टीकाकरण करवाए। इन सब के लिए जननी सुरक्षा योजना बहुत सफल योजना है जो गरीब परिवारों को, और इसमें जो है आंगनवाड़ी वर्कर और विलेज लेवल आशा वर्कर उनको हेल्प करती हैं। देन थर्ड इसका कंपोनेंट जो है आशा वर्कर है, जो बहुत इंपॉर्टेंट पिलर है NRHM का। ये एक्रेडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट होती हैं, एक तरह से तो वॉलंटरी है लेकिन इनको कुछ पैसे भी मिलते हैं। ये लिंक होती है सबसे फर्स्ट कनेक्ट जो कम्युनिटी से हेल्थ सिस्टम, जो रूरल हेल्थ सिस्टम है उसकी जो फर्स्ट कनेक्टिविटी जो पीपल को है, वो आशा वर्कर के थ्रू होता है, और सेकेंड जो है आंगनवाड़ी वर्कर के थ्रू। देन इंडियन पब्लिक हेल्थ स्टैंडर्ड, मैंने आपको बता दिया ये एक नया स्टैंडर्ड बनाया गया जिसके तहत मॉनिटर और इवोल्यूशन करके स्टैंडर्डाइज किया गया ये सारे जितने भी हेल्थ केयर सिस्टम है उनको। देन डिस्ट्रिक्ट लेवल पे मैंने आपको बताया कि एक प्लान बनती है जिसमें कन्वर्जेंस होता है, सारे जो प्रोग्राम डिस्ट्रिक्ट लेवल पे चल रहे हैं सेंट्रली स्पॉन्सर्ड या स्टेट के, रिलेटेड टू ड्रिंकिंग वाटर, सैनिटेशन, वुमेन एम्पावरमेंट, चाइल्ड डेवलपमेंट, लिटरेसी, पॉवर्टी एलिविएशन, जैसे मनरेगा जैसे, उन सबको कन्वर्ज किया जाता है इस तरह से कि वो हेल्थ केयर में हेल्प करें, क्योंकि वो पता है कि प्रिवेंटिव हेल्थ केयर अच्छा होगा यदि ड्रिंकिंग वाटर साफ हो, सैनिटेशन अच्छा हो, चाइल्ड का डेवलपमेंट हो, लिटरेसी हो, पॉवर्टी नहीं हो, तो इससे आपका हेल्थ बढ़ता है, इससे लोग कम बीमार पड़ते हैं। इसके अलावा आपने देखा कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे NRHM और NUHM दोनों को भी कन्वर्ज किया जाता है। देन नेक्स्ट कंपोनेंट इसमें है कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, विलेज हेल्थ एंड सैनिटेशन कमिटी बनती है जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के तहत काम करती है, रोगी कल्याण समिति ब्लॉक लेवल पे बनता है। देन डिसेंट्रलाइज्ड इसमें अप्रोच है, इंपॉर्टेंट रोल पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस का है, और विलेज हेल्थ प्लान बनाई जाती है जो कि डिस्ट्रिक्ट प्लान में मर्ज होती है। ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी इसका बहुत बड़ा कंपोनेंट है, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम जो कंप्यूटराइज बनाया गया है, पब्लिक रिपोर्ट जारी करती है, PRI नोटिस बोर्ड पे लगते हैं, कम्युनिटी खुद अपना सर्वे करती है, और सोशल ऑडिट होती है जैसे मनरेगा का होता है, इसमें सिविल सोसाइटी मेंबर्स को भी इनवाइट किया जाता है। एंड फाइनली जो मैंने आपको बताया आयुष्मान भारत भी इसके एक तरह से कंपोनेंट में जुड़ जाता है, जो यूनिवर्सल इंश्योरेंस है गरीब लोगों के लिए। सो दिस इज इन नटसेल द कंपोनेंट्स ऑफ NRHM, इसको आपको एग्जामिनेशन में एक्सप्लेन करना चाहिए। यदि हम इम्पैक्ट देखें NHM का क्या हुआ है, तो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट IMR जो है डिक्लाइन की है, लगभग 60 जो है पर 1000 बर्थ था 2005 में, वो घट के 40 हो गई है 2013 में। मैटरनिटी मोर्टेलिटी रेशियो मैंने आपको एक्सप्लेन किया ये क्या होता है, जो मदर की डेथ हो जाती है डिलीवरी देते समय में, 1 लाख डिलीवरी था 2004-05 में, वो घट करके 178 हो जाती है 2013 में। टोटल फर्टिलिटी रेट TFR जो है वो 3 से घट के 2.3 हो जाता है 2014 में। द जननी सुरक्षा योजना रजिस्टर्ड इम्प्रेसिव गेन विथ 1.13 करोड़ वुमेन बेनिफिटेड ड्यूरिंग 2010-11। ऑफकोर्स बहुत सारे इसमें डेटा आपको ओल्ड दिख रहे होंगे क्योंकि नेट पे जो है इनकी इम्पैक्ट असेसमेंट ओल्ड ही है। पोलियो हैज बीन ऑलमोस्ट इरेडिकेटेड फ्रॉम द कंट्री, और भी जो कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है उसमें काफी कमी आई है, जैसे कालाजार जो है पूरी तरह से खत्म हो गया है, TB के इंसिडेंस में कमी आई है, ब्लाइंडनेस भी लोग कम होते हैं, और जो एंडेमिक डिजीज उसमें काफी कमी आई है। ए वर्केबल पब्लिक हेल्थ डिलीवरी सिस्टम कंप्राइजिंग ऑफ आशा वर्कर एंड आंगनवाड़ी वर्कर, सब सेंटर्स, प्राइमरी हेल्थ सेंटर एंड CSC वॉज सेटअप, और उसको स्टैंडर्डाइज किया गया, ये भी इसका एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट रहा है।
फाइनली यदि हम प्रॉस एंड कॉन्स देखें एनएचएम के, तो इसके प्लसेस तो बहुत ही ऑब्वियस हैं। इट मेट क्वांटिटेटिव टारगेट टू गुड एक्सटेंट। आपने देखा कि लगभग इसने जो है अपने क्वांटिटेटिव टारगेट जो आईएमआर एमएमआर टीएफआर का था उसको कमोबेश जो है इसने 80% तक पूरा किया है। देन इंटीग्रेटेड स्ट्रक्चर इसने खड़ा किया जो कि गांव से शुरू होता है और डिस्ट्रिक्ट लेवल तक जाता है, जिसके बीच में प्राइमरी हेल्थ सेंटर, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर एंड हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर होते हैं। अवेयरनेस ऑन हेल्थ एंड न्यूट्रिशन जो है उसके लिए विलेज लेवल जो है हेल्थ एंड न्यूट्रिशन डे मनाया जाता है। महीने में एक बार विलेज हेल्थ प्लान बनाई जाती है, कम्युनिटी पार्टिसिपेट करती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डिसेंट्रलाइज्ड है, अकाउंटेबल है, ट्रांसपेरेंट है, कम्युनिटी खुद अपने हेल्थ का इसमें ध्यान रखती है। गुड नंबर्स ऑफ हेल्थ वर्कर वेयर पोस्ट इन रूरल एरियाज, ये काफी इंपॉर्टेंट अचीवमेंट रही है। बहुत डॉक्टर्स को गांव में भेजा गया है, वर्कर्स जो हेल्थ वर्कर हैं या पैरामेडिक्स हैं उनको गांव में दिया गया है और ह्यूज नंबर ऑफ आशा वर्कर को रिक्रूट किया गया है। आंगनवाड़ी वर्कर तो पहले से भी काम करती हैं, तो एक अच्छा खासा एक ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मेडिकल के फील्ड में रूरल एरियाज में पर्टिकुलरली की गई है। डिसेंट्रलाइज ट्रांसपेरेंट एंड पार्टिसिपेटिव अप्रोच रहा है इसका, जिसको कि हम लोगों ने एक्सप्लेन किया है। और जो इसके अंदर में जननी सुरक्षा योजना है जिसको कि अब काफी बढ़ा दिया गया है, वो भी काफी इंप्रेसिव इसकी परफॉर्मेंस रही है। ये सब तो प्लसेस रहे हैं, लेकिन इसके माइनसेस भी कम नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट वही है जो एजुकेशन में भी है। आपने एजुकेशन में देखा कि कैसे 6% जीडीपी का खर्च होना चाहिए, उसके तहत 2.7% ही खर्च होता है। यहाँ तो हालत और भी खराब है, हेल्थ में केवल 1.2% जीडीपी का खर्च किया जाता है जो कि 6% होना चाहिए। तो आप समझ सकते हैं कि एक तो इंडिया की पॉपुलेशन 1.3 बिलियन है और उसके अलावा इतना कम खर्च, तो पर कैपिटा खर्च इतना कम हो जाता है। डेवलप्ड कंट्री 6-10% तक अपने जीडीपी का हेल्थ पे खर्च करती है। जैसे यदि आप ब्रिटेन को देखेंगे तो 7-9% खर्च करती है और उसकी पॉपुलेशन जो है वो दिल्ली के बराबर है। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि कितना कम जो है प्रति व्यक्ति हम हेल्थ पे खर्च करते हैं, ये सबसे बड़ी इसकी कमी है। पुअर इंटीग्रेशन विद एग्जिस्टिंग स्कीम एंड स्ट्रक्चर ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, इसमें हुआ ये कि स्टेट गवर्नमेंट कि अपनी, क्योंकि ये स्टेट सब्जेक्ट है हेल्थ, उन्होंने 50 सालों में अपनी एक स्ट्रक्चर खड़ा की, अपनी बहुत सारी स्कीम बनाई। जब नेशनल हेल्थ मिशन लागू हुआ तो वो उसके ऊपर चढ़ने की उसने कोशिश की, उसके ऊपर ओवरले किया, लेकिन वो एक तरह से इंटीग्रेशन हो नहीं पाया, आधा अधूरा अध कचरा रहा, उससे बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। स्टेट की अपनी स्कीम अलग रास्ते चलती है और सेंटर की नेशनल हेल्थ मिशन जो सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है वो भी वही सब काम जो है सेंटर के डायरेक्शन में करने की कोशिश करती है। चूंकि इंप्लीमेंटेशन स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में ही है तो वहां आकर के दोनों गड़बड़ हो जाती है, इससे काफी कोऑर्डिनेशन में प्रॉब्लम हुई है। पुअर क्वालिटी ऑफ हेल्थ केयर जो इसकी आपने देखा, विलेज से लेके जो डिस्ट्रिक्ट लेवल तक जो प्राइमरी हेल्थ केयर या सेकेंडरी टर्शियरी हेल्थ केयर सिस्टम बना है, प्राइमरी हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर PSC CSC, उसमें इतनी पुअर हेल्थ क्वालिटी है, दवाई नहीं रहती है, डॉक्टर्स की एब्सेंटिज्म है, नर्स नहीं होती हैं, वहाँ केयर नहीं लिया जाता है कि एक तरह से वहाँ भी प्राइवेट हेल्थ केयर मशरूम कर रहा है। गरीब लोग अपने खेत को बेच करके प्राइवेट हॉस्पिटल में जाके इलाज करवाते हैं, जबकि उसी के बगल में सरकारी जो हेल्थ सेंटर है वो बिना किसी मरीज के खाली पड़ा रहता है। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या हुई है जो एजुकेशन में भी हुई है। Then very loose convergence इसका जो है, और प्रोग्राम जो है लाइक ड्रिंकिंग वाटर, सैनिटेशन, मनरेगा, मिड डे मील, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सिस्टम और नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन, इन सब के साथ इसका कन्वर्जेंस बहुत लूज है। इसके चलते भी इंटीग्रेटेड वे में हेल्थ केयर गाँव में डेवलप नहीं हो पाया है। पुअर अवेयरनेस एंड अपटेक अमॉन्ग मार्जिनलाइज कम्युनिटी, जो गरीब लोग हैं, जो वल्नरेबल हैं, उनको पता ही नहीं होता कि उनके अधिकार क्या है, इंटाइटलमेंट क्या है, उनके राइट्स क्या है, गांव में हो क्या रहा है। तो एक तरह से जो रूरल इलीट हैं वो ये सारे स्कीम का फायदा तो उठा ले जाते हैं, लेकिन जिनके लिए जो सबसे वल्नरेबल मार्जिनलाइज कम्युनिटी है वही इसका फायदा नहीं ले पा रही है, ये भी इसका एक माइनसेस है। सो स्टूडेंट थैंक यू, दीज आर द रेफरेंसेज फ्रॉम वेयर आई हैव टेकन ऑल दोस डेटा एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। अब एक टॉपिक बची है शायद नेक्स्ट, या हम हो सकता है इंटरनेशनल रिलेशन खत्म करने के बाद फिर लौटेंगे NFSM पे। सो बाय, थैंक यू, बी सेफ, कीप सेफ, एंजॉय, थैंक यू।